हेलो नमस्कार, मैं अलका भवसर, अलका का जायका में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तरबूज के बीजों से कतली बना रहे हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और इसे हम काजू के साथ न रिप्लेस करेंगे तरबूज के बीजों को, क्योंकि काजू बहुत अनहेल्दी फूड है। और जैसे हम कभी 100 ग्राम काजू का उपयोग करते हैं तो लगभग 10 चम्मच तेल का उपयोग हम कर लेते हैं, तो ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। और तरबूज के बीजों का उपयोग कर रही हूँ तो इसमें सारे विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और सारे हेल्दी फैट्स उपलब्ध रहते हैं। और स्किन को भी ये काफ़ी ग्लो करता है। तरबूज के बीजों को खाने पर हमारी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये अच्छे से बूस्ट करता है। तो चलते हैं किचन की ओर, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 कप तरबूज के बीजों का उपयोग किया है और इसमें मैंने 1/4 कप करीबन मिल्क पाउडर लिया है और 2 आमों का उपयोग किया है। आम मैंने बादाम का उपयोग किया है, आप कोई भी स्वीट मैंगो ले सकते हैं। और इसमें तरबूज के बीजों को मैंने साफ कर लिया था और इसमें ये जो छिलके सहित बीज रहते हैं तो उनको हम अलग कर देते हैं, ताकि हमारे जब हम इसको अगर ऐसा उपयोग करना हो तो आप इसको तरबूज के बीजों को पीसेंगे तो छान भी सकते हैं। अब इसमें मैं आम को छील लिया है मैंने और इसको हम कट कर लेते हैं इस तरह से। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और उसमें ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने पूरा आम का पल्प निकाल लिया है और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में इसका जूस बना लेंगे। आप इसका जूस अलग से भी बना सकते हैं, जैसे जूसर वगैरह में बनाना हो। मैं मिक्सर ग्राइंडर में कर लेती हूँ इसको इस तरह से। ये मैंने जूस का ग्राइंडर का मिक्सर का पॉट ले लिया है और अब गैस को हम कर लेते हैं चालू। और इस पर मैंने नॉनस्टिक पैन का उपयोग किया है, आप मोटे तले की कढ़ाई का उपयोग करें। और इसमें मैंने तरबूज के बीजों को प्लेस कर दिया है और इसको लगभग 3 मिनट तक हमें भुनना है। और इसको जो हमारा कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और आम में इसमें मीठे आमों का उपयोग करें आप, और तरबूज के बीजों का थोड़ा सा स्वाद रहता है, काजू जैसा नहीं रहता है, तो इसके लिए मैं इसमें स्वीटनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। और इसमें हम किसी भी फल का फ्लेवर डाल देते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने तरबूज के बीजों को सेक लिया है, तो आप देख सकते हैं इसके चटकने की आवाज़ आने लग जाती है तब तक हमें सेकना है। अब इसके बाद इसको जब तक तरबूज के बीज ठंडे होते हैं तब तक हम इधर मैंगो का पल्क जो हमने आम का निकाला है उसको हम इसमें डाल देते हैं। लगभग 2 कप निकला है आम का रस और इसमें मैंने लगभग 2 कप शक्कर डाली है। और मैंने इसमें 1/2 कप शक्कर आप और भी डाल सकते हैं, 2.5 कप तक भी डाल सकते हैं शक्कर आप डालना चाहें तो, पर मैंने इसमें 2 कप ली है। और इसको मैं इस तरह से भी बनाती हूँ। अभी मैं आखिरी में 1/2 कप शक्कर अगर आप मिलाना चाहें तो बाद में भी मिला सकते हैं, और उसमें खड़ी शक्कर मिलाती हूँ मैं अक्सर, कई बार बता देती हूँ मैं आपको। अब इसमें मैंने थोड़ा सा केसर लिया है 8 से 10 रेशे, जो इसमें हमारी कतली को अच्छा सा कलर आ जाएगा, या फूड कलर लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अब मैंने तरबूज के बीज भी ठंडे हो चुके हैं तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं बारीक मिक्सर जार में। तो इस तरह से देखिए बारीक हमारा पीस चुका है, और इसे थोड़ा सा दरदरा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप छानना चाहे तो छान सकते हैं। अब इस दर शक्कर पिघल चुकी है हमारी, अब इसमें मैं मिल्क पाउडर का उपयोग कर लेते हैं। आप इसमें मावे का उपयोग भी कर सकते हैं, अब ये अच्छे से हमारे गुठली ना पड़े। आप पहले भी मिल्क पाउडर मिला सकते हैं, जब हम आम का रस डालते हैं तब भी आप मिला सकते हैं। तो अभी इसमें मैंने तरबूज के बीजों को भी मिला दिया है पेस्ट को। अब ये हमारा बन चुका है और इसमें मैंने अभी यहाँ पर हमारी बन चुकी कतली, और जब बनने के हो जाए तब भी आप इसमें थोड़ी सी 1/2 कप शक्कर मिला देंगे तो 2 छोटे छोटे से दाने मुंह में खाने के लायक आते हैं। अब इसमें मैंने घी लगा लिया है और उसके बाद हम इसको प्लेस कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारा
जो मिश्रण है उसको मैंने इस पर ही प्लेस कर दिया। आप चाहे तो एल्यूमिनियम कॉइल भी ले सकते हैं, और इस तरह से हाथों में भी मैंने घी लगा करके इस पर थोड़ा सा डाला है। और ठंडा होने के बाद हम इसको, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, जैसे हाथों से हम छू सकें बस इतना ठंडा कर लें। और उसके बाद हम इसको देखिए आप आराम से बेल लेते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और स्वादिष्ट भी बहुत लगती है, और आम का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें जब आप बना रहे हैं तब इसमें मैंगो का आइसक्रीम जमाने के लिए लेते हैं उसका भी फ्लेवर एसेंस भी डाल सकते हैं, मैंगो का एसेंस। अभी हमारी लगभग इसको रात भर या 4 से 5 घंटे आप सूखने दें, उसके बाद आप इसको कट कर लें। इस तरह से आप कतली के शेप में इसको काट लें। मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं किया है इसको बनाने के लिए, इसलिए बस मैं थोड़ा सा शेप बता रही हूँ। तो इसको इस तरह से हम काट लेते हैं, और काटने के बाद इसको आप अलग कर लें, और पिस्ते के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।